गाइस, स्वागत है न्यू ब्लॉग में। स्वागत है हमारे चैनल पे। कैसे हैं आप लोग, क्या हाल चाल, और सब बढ़िया? अभी मस्त हम हैं कुशीनगर में, जा रहे हैं कुछ काम से कुशीनगर। और प्यार सपोर्ट लाइक करते जाओ यार, प्यार दिखाओ, सिस्टम हैंग करो, एंड बाकी सब तो जानते हो। और जितना ज़्यादा प्यार आप लोग दिखाओगे, उतना ज़्यादा बढ़िया बढ़िया वीडियो देखने को मिलेगा आपको, और मज़ेदार वीडियो देखने को मिलेगा। तो बने रहें लास्ट तक। मुकेश भाई साहब आ गए, और क्या हाल चाल? सब बढ़िया। मुकेश भाई साहब आ रहे हैं और दोनों लोग जा रहे हैं कुछ काम से, चलते हैं फटाफट। ठीक है, और कैसे हैं आप लोग? सुबह सुबह कैसे हम इतना जाम देख रहे हो, सुबह सुबह ये हाल चाल है। और अभी इतना ठंडा मौसम, एकदम सुकून शांति वाला मौसम हुआ था, और अभी देख रहे हो कितनी तगड़ी धूप, भयानक धूप के साथ कसिया में एंट्री हुई है। हमारे आने से गर्मी बढ़ गई है कसिया में। और बाकी सब तो सिस्टम आप देख ही रहे हो, क्या हाल है भाई। सिस्टम है, सिस्टम सिस्टम है ना अपना सिस्टम। तो चला जाए फटाफट, पहले तो चलते हैं। बाकी साहब तो आपको पता ही है, इधर गैरेज है सारा, ट्रकों का गैरेज इधर देखने को मिलेगा सारा। देख रहे हो इधर कितने जोर शोर से काम चल रही है हाईवे का। 2024 में चुनाव है, और चुनाव से पहले कैसे भी हाईवे का कार्य कंप्लीट हो जाएगा, ये तो गारंटी आपको हम दिखाएंगे। 2024 में कंप्लीट हो जाएगा चुनाव से पहले। और इतनी तेज़ी से काम चल रहे है यहाँ पे, या फिर गोपालगढ़ में, दोनों तरफ काम चल रहा है, और काफ़ी मज़ा आ रहा है। मुकेश भाई साहब सर मिले के साथ, क्या हाल चाल? हो गया अपना, मुकेश को वहाँ गाड़ी को पार्किंग कर दिया है, मस्त है मुकेश का घर। और मुकेश भाई साहब चलो रूम पर से आ जा, चलो। मस्त गाड़ी लगी है अपनी, देख सकते हो जेड ब्लैक शीशे के साथ। अभी आप इस वीडियो में देख सकते हो जेड ब्लैक शीशा। मतदान तो सारा हो ही गया है, मस्त खा पी के डन हो गया, और आके यहाँ पर बैठे हुए हैं हम लोग काफ़ी टाइम से। अभी तक ये डिसाइड नहीं हो रहा है कि हम लोग करें तो करें क्या, जाए तो जाए कहाँ। और नज़ारा तो कुछ इस टाइप का है, पूरा भयानक धूप के साथ सिस्टम है। तो अभी कुछ समझ ही में नहीं आ रहा क्या किया जाए और कहाँ जाए, लेकिन चलते हैं बढ़िया जगह पे। और देखिए आप, ये कौन सा जगह है और कितना खूबसूरत जगह है। आ गए हैं कुछ ऐसे जगह पे जो कभी आपने देखा नहीं होगा, और कुशीनगर का काफ़ी खूबसूरत जगह है, काफ़ी ज़्यादा फेमस जगह है जो कि आप लोग देखा नहीं होगा। कौन सा जगह है मुकेश बता दो अभी, नहीं उसको दिखा तो अगर मतलब एकदम मस्त, जो बाहर का होगा कुशीनगर से बाहर वो यहाँ पे मतलब घूमा नहीं होगा और देखा भी नहीं होगा। तो जगह है रामाबाद स्तूप। तो आप देख सकते हो कितना खूबसूरत नज़ारा और कितना मस्त व्यू है यहाँ का, और काफ़ी शानदार। मतलब कुशीनगर में सबसे ज़्यादा कपल्स आपको यहीं पे देखने को मिलेंगे, उधर इधर चारों तरफ कपल्स और खोपचा में भी बैठे हुए दिखेंगे आपको। तो काफ़ी ज़्यादा सिस्टम है यहाँ पे यार, और काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत जगह है जो कि जो आप देखे नहीं होंगे। तो एक एक करके धीरे धीरे दिखाया जाएगा सब, जब जब जहाँ जाएंगे तहाँ तहाँ का दिखाएंगे। और उस तरफ का तो आपने देखा होगा नौका विहार, कुशीनगर का सिस्टम है उधर पुल के पास। हम लोग आ चुके हैं रामाबाद स्तूप के अंदर, और काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है, काफ़ी ज़्यादा भयानक धूप उप हुआ है। तो इधर चारों तरफ पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तो छाँव के नीचे हम लोग बैठ कर मौज मस्ती कर रहे हैं। क्या मुकेश भाई, मज़ा आ रहा है ना यहाँ पे? पीछे दिखाया जाए, पीछे नहीं दिखाया जा सकता है भाई, कपल्स हैं सब, तो क्या उसमें उल्टा सीधा काम क्या करने का। तो बाकी सब इधर का नज़ारा आप देख सकते हो कितना खूबसूरत और मस्त हुआ है, एकदम लाजवाब सीन है यहाँ पे। गर्मी में अगर टाइम छुट्टी हो, अगर खाली हो, तो आके यहाँ पे टाइम अपना वो कर सकते हैं, और काफ़ी मस्त मज़ा आता है यहाँ। ठंडी ठंडी हवाएँ चलती है, और भी जगह हैं कुशीनगर में जो काफ़ी मस्त है और खूबसूरत जगह हैं जो कि आपको दिखाएंगे जब जब हम लोग घूमने आएंगे। क्या मुकेश भाई साहब, जरूर दिखाएंगे। स्कॉर्पियो से बाइक पर आने में हम लोग की देरी नहीं लगती है, हम अभी बाइक से स्कॉर्पियो से थे, अभी बाइक पे आ गए, काफ़ी मस्त और बहुत मस्त हो गई। और सब तो देख सकते हैं सामने का फ्रंट का नज़ारा इतना लाजवाब और खूबसूरत है कि
आप देख सकते हो और काफी शानदार है। पीछे भी देख लो और फ्रंट में भी देख लो, काफी मजेदार और शानदार सिस्टम है। कुशीनगर में यार बुद्ध भगवान का स्थान है, तो यहाँ पे शांति ही शांति मिलेगी हर जगह। भले यहाँ के छपरी इसको मतलब बर्बाद कर दे उसकी बात अलग है, लेकिन शांति ज़्यादातर मिलेगी यहाँ, बात एकदम सच है। ये है कुशीनगर की हिडावती नदी, और यहाँ से जो कि नौका बिहार से होके आती है, वहाँ जो पार्क के किनारे हम लोग गए थे रामाबार स्तूप, उसके किनारे से निकल के आई है, और यहाँ पे उसका कुछ शमशान घाट टाइप का मतलब मुक्ति धाम बनाया गया है। और बाकी फ्रंट ये तो मार्केट में चला जाएगा कश्यप, और मुकेश भाई साहब बाइक चला रहे हैं। देख रहे हो घूमते घूमते हम लोग कहाँ आ गए, अपनी बसंती के पास आ चुके हैं, और सामने लगी अपनी बसंती 2021 वाली। तो हम लोग आ चुके हैं फटाफट मुकेश के घर पे, तो चलते हैं फटाफट। पहले तो वीडियो एडिटिंग कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपको आएगा नया ब्लॉग देखने के लिए। तो देख रहे हो कैसे जगह पर लगी है गाड़ी अपनी, क्या हाल चाल, और भाई साहब को देखिए। अरे अरे आराम से आराम से आराम से। हम कहा सोचे थोड़ा रितेश से भी मुलाकात कर लिया जाए और मौज मस्ती कर लिया जाए, तो रितेश भाई अपने चल दिए कोचिंग के लिए, तो ये गलत बात है। हम आए इनसे मिलने के लिए कितने दूर से, और ये भाई साहब निकल लिए अपने क्लास के लिए, तो ये गलत है या सही आपको कमेंट में जरूर बताएं। लेकिन फिर भी जो भी है मज़ा आता है, मौज मस्ती होते रहता है, सेट करते हैं, मज़ा तो है ही है यार। भाई सब चले गए घर, भी से परेशान हो गए नहाने के लिए, अभी आएंगे, अभी आते हैं फटाफट, एक घंटे में तो जाते हैं, कहीं ना कहीं घूमने जाएंगे और कुछ तो नया करेंगे यार। तूफानी कुछ होगी यार, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। ज़्यादा देर मौज मस्ती होगा, ज़्यादा घूमगा फिर, तो इस ब्लॉग में एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर, सिस्टम हैंग करते रहो भाई, और सपोर्ट प्यार दिखाओ यार, और पूरा सिस्टम फाड़ के रख दो अपने भाई के चैनल पे, जाओ और शेयर करो, शेयर वाले ऑप्शन पे जाके अपने दोस्तों के पास, एंड प्यार सपोर्ट दिखाओ। बाय टाटा।